हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। इस वीडियो में आज हम एक गुड न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्यूबिक प्रोविंस के 10 बड़े कॉलेजेस जिनके CAQ को सस्पेंड कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो कॉलेजेस ना तो नए बच्चे इनरोल कर पा रहे थे और ना ही किसी नए बच्चे जो अप्लाई कर रहे थे उनको CAQ इशू कर पा रहे थे। CAQ क्या होता है? CAQ क्यूबिक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट होता है। जो भी बच्चे क्यूबिक एक्सेप्टेंस क्यूबिक प्रोविंस में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको क्यूबिक प्रोविंस से पहले एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन कॉलेजेस का जो CAQ था वो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था उन कॉलेजेस में जहाँ क्यूबिक प्रोविंस में उनके जो CAQ जहाँ तो डिले हो रहे थे, जहाँ उनके जो CAQ थे वो नहीं आ पा रहे थे, जिससे लास्ट पूरा मंथ उन सभी बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहा। इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए बाकी जो ऑडिट था जो गवर्नमेंट कर रही थी उन 10 कॉलेजेस में, उसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना आने से जो गवर्नमेंट की तरफ से CAQ सस्पेंशन लिफ्ट कर लिया गया है, जिससे 10 के 10 कॉलेजेस को क्लीन चिट मिल चुकी है। अभी कोई भी बच्चा वहां पर अप्लाई कर सकता है और वो जो कॉलेजेस हैं वहां से CAQ इशू कर सकते हैं। इस जो सस्पेंशन था इसका कोई भी इम्पैक्ट उन सभी बच्चों पे नहीं आएगा जो उन कॉलेजेस में पहले से पढ़ रहे थे, जहां जिन्होंने अप्लाई किया था, जहां जो अभी अप्लाई करेंगे। और CAQ का जो प्रोसेस था उस पर भी कोई भी जो प्रोसेस था उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगा, किसी भी तरह का आपको जो CAQ इशू करवाने में कोई प्रॉब्लम आगे से नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए जो क्यूबिक प्रोविंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो 100% में से 20% बच्चे ऐसे हैं जो क्यूबिक प्रोविंस में जाना चाहते हैं। क्योंकि इसके पीछे 3-4 जो बड़े रीज़न हैं, जैसे फ़ीस, जो ट्यूशन फ़ीस होता है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का क्यूबिक प्रोविंस में बहुत लो होता है अगर हम कंपेयर करते हैं अदर किसी प्रोविंस के साथ। सेकंड, वहाँ पर जो वीकेंड क्लासेस की भी ऑप्शंस रहती है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन की ही क्लासेस ऑफर करते हैं, जिससे बच्चे पे जो स्टडी का स्ट्रेस होता है बहुत कम रहता है। थर्ड जो ऑप्शन है कि वहाँ पर अगर आप फ्रेंच क्लासेस लेते हो तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट पे करती है, जिससे आप अपने डेली एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकते हो। ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके कारण बच्चों का जो मेन फोकस रहता है कि वो मॉन्ट्रियल में एडमिशन ले, ताजो उनको ये सभी जो बेनिफिट्स हो सके। इसमें जो 10 कॉलेजेस थे उसमें एम कॉलेज, CDI, CDE, CIP कॉलेज, मेट्रिक्स, यूनिवर्सल, ISI, ऐसे 10 बड़े कॉलेजेस थे जिसमें पंजाब के बहुत ज़्यादा बच्चे हर साल जो एडमिशन लेते थे। उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताजो उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना फ़ीस रिफ़ंड के लिए भी ईमेल डाल दिया था कॉलेजेस को। उन सभी बच्चों को मेरा सजेशन है कि आप एक और ईमेल अपने कॉलेज को करिए और उनको जो आपका रिक्वेस्ट था फ़ीस रिफ़ंड का उसको होल्ड करने के लिए, और उनको क्लियर कीजिए कि आप वहीं पर अपनी क्लासेस लेना चाहते हैं। आपका जो कॉलेज है इस चीज़ को समझेगा और आपका जो फ़ीस है, आपका जो एडमिशन है उसको कंटिन्यू करेगा। अगर आप कोई भी सजेशन हमसे लेना चाहते हो, हमारी टीम से लेना चाहते हो, या CAQ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम से आप लेना चाहते हो, तो नीचे गए नंबर्स पे या ईमेल आप हमें कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच।